मिलन वाली बहू है पर लड़की बिल्कुल गऊ है। बहुत अच्छा लग रहा है, झुंड से निकलकर सब अपनी अपनी जगह पर बैठकर नाश्ता करेंगे। अरे नाश्ते से याद आया, रूपा भाभी का अब तक तो रोज नाश्ता लगा देती है वो। हाँ तो रूपा नहीं आई तो शालिनी तू नाश्ता लगा दे। अच्छा ठीक है, नाश्ता नहीं लगाना तो कम से कम फल तो काट, कुछ तो काम कर। ठीक है मम्मी जी। फजल फ्रूट वाले का भूत है, बोल रहा है कि फ्रूट काटते काटते उसके हाथ कट जाते थे, फ्रूट नहीं काटना है। हाँ उसके हाथ कटते थे ना, तेरे नहीं कटेंगे, काट। अरे कट गया तू? नहीं काटे फ्रूट तो तेरा फोन कट जाएगा। हाँ तोड़ देती हूँ फोन तेरा। ते क्या मम्मी जी हमेशा लड़ते रहते हो? मैं लड़ती हूँ। आप दोनों क्यों इतनी लड़ाई करते हो? अरे बेटा सास बहू में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, अच्छा लगता है कि नहीं? हेलो रूपा आ गई, अब नाश्ता मिलेगा। रूपा नाश्ता? नाश्ता? नाश्ते का क्या? नाश्ता खाएंगे ना सब? सही बात कह रहे हो पापा जी, सब नाश्ता खाएंगे, मैं भी खाऊंगी। हाँ खाना ना, सबको खिलाना भी। बना होगा तो खिलाऊंगी ना दादाजी। मतलब भाभी आपने नाश्ता बनाया ही नहीं? नहीं बनाया। रोज रोज मैं क्यों बनाऊं? ये नहीं बना सकती क्या? शालिनी भाभी। मैं? हाँ तुम, कामचोर ड्रामेबाज, अभी बोलेगी भूत आके पकड़ लिया। आप बना दीजिए। मैं? रुको बेटा, सुबह से मैंने बहुत सारे काम किए हैं, झाड़ू पोछा बर्तन सब किया है मैंने। मान गए, ऐसे मेरा नाश्ता तो हो जाएगा, अपना अपना देख लो। ए रूपा, ऐसे कैसे बात कर रही है घर वालों से? चल सॉरी बोल। कैसे हो सब लोग? ठीक ही होंगे। ए क्या चाहिए? चीनी? नहीं मिलेगी, निकल। तो मैं और मेरे बच्चे क्या बिना चीनी की चाय पियेंगे? मुझसे पूछ के पैदा किए थे क्या? रूपा बेटा रोज तो ले जाती है चीनी, ले जाने दे आज भी। वही तो, रोज में और आज में फर्क है दादाजी। अरे बाप रे, मैं भी देखती हूँ कैसे रोकती है मुझे। अरे रूपा निकल, छोड़ कह रही हूँ। अरे पागल हो गई निकल। अरे यू आर वेलकम रूपा। रूपा आज रूपा को हो क्या गया है? अब सही कह रही मम्मी जी, रूपा भाभी आज रूपा भाभी नहीं लग रही है। तो बात तो सही है, रूपा रूपा नहीं लग रही है। ए रूपा क्या हो गया तुझे? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे तुझे नाश्ता नहीं बनाना था तो प्यार से बोल देती, मैं अपने आप बना लेती, ऐसे क्यों बिहेव किया सबके साथ? सुन रही है, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ रूपा, क्यों किया ऐसा तूने? अरे सॉरी मैं बात कर रहा हूँ रूपा। एक तो मेरे पास पावर नहीं है, पावर होती ना तो चद्दर खींच के ना मैं। वेल स्टॉप, मुझे कुछ कन्फेस करना है। कर दे बेटा कर। वेल दादाजी मैं कंफ्यूज्ड हूँ। नहीं बेटा तू सस्पेंडेड है। पापा जी सस्पेंडेड आदमी कंफ्यूज भी तो हो सकता है ना। थैंक यू मैं शालू, थैंक यू। दादाजी मैं ये कन्फेस करना चाहता हूँ कि मैं कटोरी आंटी को लेके बहुत कंफ्यूज हूँ, कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो अच्छा हो या बुरा हो, या फिर उनके साथ एक ना एक दिन ऐसा होने था, या फिर उनके साथ ऐसा होने नहीं चाहिए। प्लीज टेल मी
अब क्यों मारा? इसलिए मारा कि कटोरी को लेकर तो तू बड़ा कंफ्यूज्ड है, और हमारे साथ जो हुआ उसका कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। कंफ्यूजन क्या है पिताजी, साफ दिख रहा। रूपा बेटा, देख देख मैं क्या लाई हूँ तेरे लिए। तेल आजा, तेरे बालों पे लगा देती हूँ, दिमाग की गर्मी शांत हो जाएगी। क्या मतलब दिमाग ठंडा हो जाएगा? और कुछ नहीं, ऐसे ही बोला। तेल नहीं लगाना? अच्छा ठीक है, छोड़ ना तेल को, कौन लगाता तेल। आजा आजा बैठ, तेरा सर दबा देती हूँ, है ना, बैठ ना। रूपा, आज एक बात तुझे बोल ही देती हूँ, तू ना बहू नहीं है, आदर्श आदर्श बहू है। अच्छा लगा सर दबा के? वेलकम वेलकम। नहीं बेटा, कसम खाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बोल दे कि अच्छा लगा, मैं मान लू। हाथ की दबाने? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आ जा बैठ बैठ। वेलकम वेलकम। पैर दबाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। बॉडी मसाज? आप ही को शौक है। अरे मम्मी जी क्यों नहीं आई अब तक? वाल छोटे, किसी भी काम को सक्सेसफुली पूरा करने में बहुत वक्त लगता है। ये कौन बात कर रहा है जिसने आज तक खुद कभी एक काम पूरा नहीं किया? माँ ने रूपा को पक्का मना लिया होगा, उसे साथ ही लेकर आएंगी। हेमलता क्या हो गया? बैठने, क्या हालत हो गई तेरी, कैसे? रूपा ने फुल बॉडी मसाज करवाया, वो भी सर हाथ पैर दबवाने के बाद। मम्मी जी, थकी आ रही सर। शालिनी हट जा वरना तेरा फोन तोड़ दूंगी। एक बहू का गुस्सा दूसरी बहू पे क्यों निकल रही है आप? चुप चुप चुप। पिताजी, रूपा सर पे चढ़ गई है, उसकी माँ को फोन करना ही पड़ेगा। ओ, फिर वही सास बहू का ड्रामा। कभी सास और बहू में बनी है जो इनकी बनेगी? ये तो पैदा ही हुई है लड़ने के लिए। वेल पापा जी, आपने तो कहा था कि सास और बहू की नोक झोंक में बरकत होती है। बेटा, बरकत होती है जब इतनी हरकत नहीं।
रूपा, पता है मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ? हाथ पीछे क्यों रखे? भूत ने पकड़ के रखा है क्या? अरे मैं शालिनी नहीं हूँ, मैं प्रेमनाथ हूँ। और मेरे हाथों में तेरी फेवरेट चीज है, पता क्या है? पता मेरी बेटी को क्या पसंद है? बताओ बताओ। आप ही बता दीजिए। राम चौक पाइनएप्पल पेस्ट्री है ना, तेरी पसंद है कि नहीं? ये भी रूपा ने? पापा जी, ये आपके मुंह पे पेस्ट्री कैसे लग गई? मन नहीं है। क्यों नहीं मन? दिखा ले। कहा ना मन नहीं है। अले खा ले, खा ले। पापा जी, ये कहाँ खो गए बताइए ना? वो पेस्ट्री मेरे हाथ से फिसल गई। फिसल गई? वेल पापा जी, मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये पेस्ट्री फिसल के मुंह पे। तो पंचायत चल रही है यहाँ? नहीं, वो मेरे पीठ पीछे मेरी चुगली कर रहे हो? नहीं बेटे, वो तो नहीं। नहीं वो क्या, सब पता है मुझे तुम सबके बारे में, लेकिन तुम सबको मेरी लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। दो मिनट क्या बैठ गई? कोई आ गया सर पे तेल लगाने, कोई पेस्ट्री खिलाने, और कोई अपनी गाड़ी में आ गया ज्ञान बांटने। पर भाभी क्या पंगा मत ले, वरना इसके हाथ का भी पड़ जाएगा। कुछ नहीं है, बहुत क्या फुसर फुसर चल रहा है, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, समझ गए ना? ए रूपा, क्या ये सब? हाँ, छोटे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुझको? पापा जी की मुंह पे पेस्ट्री तूने लगाई ना, और दादाजी की कुर्सी को धक्का भी तूने दिया। मैं तुझसे बात कर रहा हूं, जवाब देगी कि नहीं? चुप चुप कर लड्डू के बच्चे, इसके आगे एक शब्द भी मत बोलना, समझा ना? महेश तू? हाँ मैं, तेरे बचपन का दोस्त महेश। तो ये सारा ड्रामा ना तेरी बीवी नहीं कर रही थी, उसके शरीर में घुस के मैं सब कर रहा था, मैं, समझा? पर क्यों? क्योंकि तेरी बीवी ना एक नंबर की एहसान फरामोश है। अरे थैंक यू बोलना तो दूर, लोग जब उसकी तारीफ कर रहे थे कि बहू ऐसी होनी चाहिए, हिप्पी फुर रहे, तो कंधा ऐसे उचका उचका के तारीफ बटोर रही थी, एक बार भी इतना नहीं हुआ कि मुझे थैंक यू बोल दे।
कि नहीं 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 मैंने नहीं किया है, ये सब तो लड्डू के दोस्त महेश ने किया। क्यों नहीं बोला उसने? यार तू दिखता थोड़ी है उसको जो। ओ विक्टर, मैं नहीं दिखता। चल तू तो दिखता है, तुझे भी तो बोल सकती थी कि नहीं एक बार अपने दोस्त महेश को थैंक यू बोल दो। लेकिन नहीं बिट्टा, क्रेडिट तो सारा मुझे ही चाहिए। एक बार भी क्रेडिट नहीं दिया तेरी बीवी ने मुझे, समझा तो? यार मतलब क्रेडिट का ऐसा क्या हो गया यार, मतलब क्रेडिट? अच्छा 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 लड्डू, तू बचपन से जानता है मुझे, मेरी कविता कोई पढ़ता था ना तो उसे मुझे क्रेडिट देना ही पड़ता था। बेटा जीते जी अगर मैंने क्रेडिट लिया है ना तो मरने के बाद भी मुझे क्रेडिट चाहिए तो चाहिए। अच्छा ठीक है यार, मतलब अगर इतना क्या रूपा से होगी गलती यार, मैं सॉरी बोलता हूँ उसकी तरफ से। तू तो खुद ही जानता है बीवियाँ कर देती हैं ऐसा सब। नहीं नहीं होता है, बीवियाँ तो ऐसे ही मतलब। लेकिन तेरी बीवी ना बहुत ज्यादा है बेटे, और उसको इस जाति का खामियाजा तो उठाना ही पड़ेगा। अब देख लियो जितनी अच्छी बनती फिरती है ना घर में, अब घर वाले उसे इसी घर से बाहर निकालेंगे, तू देख लियो बिट्टे। नहीं नहीं ये बात गलत है महेश। क्या? मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। अच्छा अच्छा क्या कर लेगा, कैसे रोकेगा मुझे? मेरे पास तो चीजों को छूने की पावर है, लोगों के अंदर घुसने की पावर है, रूपा के लिए नफरत है, उसके लिए गुस्सा है, तेरे पास क्या क्या है? तेरे पास? मेरे पास मेरा परिवार है महेश, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ अपने परिवार को। वो लोग रूपा को कभी घर से बाहर नहीं निकालेंगे, आज नहीं तो कल उनको पता चल जाएगा कि जो कुछ भी रूपा कर रही है वो खुद नहीं कर रही, तू करवा रहा है। अभी तक पता चला नहीं ना, तो आगे भी नहीं पता चलेगा। रूपा के शरीर के अंदर घुस करके ऐसे ऐसे कांड करूंगा ना कि तेरे घर वाले मजबूर हो जाएंगे रूपा को घर से निकालने के लिए, और तू खड़े होके देखते रहियो बेटे। दो दिन चैलेंज कर रहा हूं मैं, दो दिन के अंदर तेरे घर वाले खुद रूपा को घर से बाहर निकालेंगे, देख लियो। चैलेंज ना? हाँ तो ठीक है, मेरा भी चैलेंज, रूपा को घर वाले कभी घर से बाहर नहीं निकालेंगे। ओ बेटे। हाँ बेटे। भाभी मैं वो ये कहने आया था कि आपकी गलती नहीं है, नीचे जो मर्जी हुआ कर। निकल निकल। ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती मुझसे कहता है कि मेरी गलती नहीं है। अरे रूपा आज किचन में मत आ, आज सारा खाना मैं बनाऊंगी। हम बनाएंगे। और पता है तेरी पसंद की छोले पूरी बनाई है? हमने बनाई है, ये देखो भाभी मैंने पूरी चार पूरियां तली है। दिख रहा है। वैसे छोले पूरी मेरा फेवरेट है, ये आपको किसने बताया? बताने की क्या जरूरत है, तेरी पसंद मुझे पता नहीं है क्या? पता नहीं है क्योंकि कभी आपने पता लगाने की कोशिश ही नहीं की। और ये जो चाट पूरी तुमने अपने हाथों से बनाई है ना, खुद ही खा लेना, और आप भी बैठ के छोले पूरी खा लेना, मुझे नहीं खाना। वैसे भी मेरा अलग प्रोग्राम है। वैसे क्या प्रोग्राम है बेटा? मेरा प्रोग्राम ये है कि मेरी फ्रेंड्स शाम को घर आएंगी और हम मिलकर पार्टी करें। बड़ा मजा आएगा। बड़ा मजा आएगा मुझे और मेरी फ्रेंड्स को। हम पार्टी करेंगे मतलब मैं और मेरी फ्रेंड। ठीक है बेटा, बुला ले अपने दोस्तों को। एक सेकंड, मैंने आपसे परमिशन कब मांगी? मैं तो आपको बता रही हूँ कि मेरा प्लान ये है। हम जाएं? किसी ने आपका हाथ पकड़ के रखा है? जाना है तो जाओ, रुकना है तो रुको, जो करना है करो। माँ इसकी बात का बुरा मत मानना, ये रूपा नहीं है, इसके अंदर महेश है। माँ ये महेश है। माँ ये भाभी अकेले आ जाओ पार्टी पे, ये लीजिए हो गई आपकी पार्टी, निकलो। ओ बेटे अब तू देख मैं रूपा को घर से कैसे बाहर निकलवाता हूं। क्या करूं, मैंने इसको चैलेंज तो दे दिया लेकिन मेरे पास कोई पावर ही नहीं है, कैसे रोकूं मैं इसको? फॉर मोर अपडेट्स लॉग ऑन टू colorstv.in.com, लाइक अस ऑन facebook.com/colorstv, फॉलो अस ऑन twitter.com/colorstv।
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.